अभी मुझे पता चला है कि IHA के सेक्रेटरी संजीव शर्मा जी पिट्सबर्ग से सब परिवार यहाँ आए हैं IHA की तरफ से गुलाब जी को श्रद्धांजलि देने के लिए. उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ. इनफैक्ट आलोक जी और स्वपन धैर्यवान जी जो IHA के ट्रस्टी और प्रेसिडेंट हैं वो आ नहीं पाए. उन्होंने मेरे को कल शाम को कहा कि संजीव आपको तो जाना ही है. तो मैं, मेरी वाइफ और मेरी बिटिया भी आए हुए हैं. गुलाब खंडेलवाल जी का IHA के साथ काफ़ी पुराना रिश्ता है और हमारे IHA के प्रेसिडेंट भी रहे हैं. और हिंदी के लिए तो जो खंडेलवाल जी का योगदान है वो शायद बहुत ही कम लोग हैं. एक काफ़ी प्रशंसनीय योगदान रहा है खंडेलवाल जी का. और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति हमेशा खंडेलवाल जी को मिस करेगी. अब इनफैक्ट हमने तो सितंबर में हमारा जो द्विवार्षीय कवि महाकवि सम्मेलन है डेलस टेक्सस में, उसके लिए भी हमने काफ़ी कुछ उम्मीदें रखी थी कि खंडेलवाल जी भी हमारे साथ होंगे. तो बस ये तो अब जितने श्वास हम लिखवा के आते हैं उतना ही हमारे पास इतना टाइम रहता है. इधर खंडेलवाल जी को हम काफ़ी मिस करेंगे, IHA काफ़ी मिस करेगा खंडेलवाल जी को, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की तरफ से खंडेलवाल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि. इनफैक्ट अभी हमारे एक कवि हैं अभिनव शुक्ला जी, उन्होंने काफ़ी अच्छी लाइनें लिखी हैं श्रद्धांजलि के लिए. मैं वो लाइनें ज़रूर पढ़ना चाहूँगा. अभिनव शुक्ला जी ने लिखा है कि उनके साथ बिताया समय मेरे जीवन की अमूल्य निधि है. उनके जाने से एक युग का अंत हुआ है. गुलाब जी जब निराला जी से जुड़े अपने संस्मरण सुनाते थे तो उन्हें सुनाते समय एक गर्व मिश्रित भावुकता उनके चेहरे पर झलकती थी. भाषा की ऐसी कौन सी विधा है जिसमें उन्होंने ना लिखा हो. मन दुखी है पर यह भी जानता है कि काल अपनी चाल चल चुका है. अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बतलाएं कि हमने गुलाब जी को देखा सुना है और हिंदी भाषा से जुड़े जो स्वप्न उन्होंने देखे हैं उन्हें साकार करने का प्रयास करते रहें. नमस्कार. IHA की तरफ से, हम सब की तरफ से गुलाब खंडेलवाल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि.